जय भीम। बाबा साहब के प्री निर्वाण दिवस पर 65 पर हम यहाँ बाबा साहब के घर पर आए हुए, जहाँ पर बाबा साहब 1921 से 1922 तक रहे थे अपनी एजुकेशन के दौरान। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बाबा साहब का घर लिया है, तो उसका है ये फ्लोर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो यहाँ ग्राउंड फ्लोर मतलब तीन फ्लोर ऊपर है। सो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर खुला हो तो इधर से बंद है। सो दूसरी तरफ से मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये बाबा साहब के घर में हम एंटर होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर बाबा साहब का प्रतिमा रखी गई है फर्स्ट। सो यहाँ पर फोटो लगी हुई है, तो मैं जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। बैक साइड पर गार्डन है, तो उसमें बाबा साहब का स्टैचू लगाया है। Yeah, we are. Okay, I will take that one. Thank you. So, ये रिसेप्शन है। So, हम जी मैं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। So, ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर ये ऐसे रीडिंग रूम उसको कह देते हैं, लाइब्रेरी। सो बाबा साहब के वॉल्यूम है यहाँ पर पड़े हुए। सो यहाँ पर जो बाबा साहब के लेटर्स थे, तो उनकी कॉपी करके यहाँ पर रखी हुई है। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है, जैसे कोई आता है, तो आकर देख सकता है ये वाली चीज़ें। एनीवे ये तो सभी आपको इंटरनेट पर भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई आता है तो यहाँ पर भी रीड कर सकता है। सो बाबा साहब से रिलेटेड इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि जो लिटरेचर यहाँ पर मिल जाए, तो यहाँ से अगर कोई आता है तो वहाँ पर पढ़ सकता है। सो वो एक ऑफिस है छोटा सा, यहाँ से सीसीटीवी कैमरे ऑपरेट होते हैं शायद। तो फिर थर्ड फ्लोर इस साइड में वॉशरूम, ये रूम है बाबा साहब। यहाँ पर ज़्यादा अक्सर सभी गर्व महसूस करते हैं बाबा साहब की फ़ोटो के आगे बैठकर, उनके साथ फ़ोटो खिंचाकर। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो बाबा साहब से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बैंडर्स इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, 24 सितंबर, पुणे का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो यहाँ पर बाबा साहब बैठे हुए हैं। बाबा साहब जब रुके थे, तो वो ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब इस रूम में रुके होंगे, क्योंकि जो उन्होंने रमाबाई जी को लेटर माता रमाबाई को लेटर लिखे हुए थे, तो चिट्ठी लिखी हुई थी, उससे अक्सर ये लेटर में ये बात थी कि वो ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये ट्रेन की पटरी है जो साथ में गुजर रही है, तो इसलिए इसको इस आधार को मानकर ये रूम को ऐसा मान लिया गया है कि यहाँ पर बाबा साहब रुके थे ये रूम में। तो आप एक बार फिर देख सकते हैं। दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब का जो अम्बेडकर ऑफ लंदन है, जो यहाँ पर बाबा साहब 1921 से 1922 तक रुके थे, वो लंदन में जहाँ रुके थे, ये वो घर है। सो अगर कोई साथी लंदन के नज़दीक यूके में कहीं पर भी अगर वैसे कभी चक्कर लगता है, तो कोशिश कीजिए ज़रूर आए वो बाबा साहब का घर देखने के लिए, जहाँ पर हमें आज़ादी के, हम तो यही कह सकते हैं, हमें जितनी भी आज़ादी है जो वो बाबा साहब की वजह से है,
तो जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया तो उनको अपन नाम करने के लिए ज़रूर आना चाहिए। तो जय भीम साथियों, इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में। जय भीम।